जय शनिदेव, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि हमारे चैनल के जो नए नए वीडियो है आप देख पाएंगे। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है, किसी के माथे पर बीचोंबीच अगर तिल है तो ब्रह्मास्त्र योग है। ब्रह्मास्त्र इस शब्द का इसमें जिक्र हमने इस वीडियो में क्यों किया है, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, अंत तक देखना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप ये बात समझ पाओगे। देखिए ब्रह्मास्त्र ये जो शब्द है दोस्तों, ब्रह्मास्त्र आपने रामायण में ये शब्द सुना होगा, महाभारत में आपने सुना होगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है दोस्तों, ऐसा शस्त्र है कि उसका उपयोग अगर कोई करता है तो उसके सामने कोई मानव हो, देव हो, भगवान हो, दोस्तों नष्ट हो जाता है। इतना पावर ब्रह्मास्त्र में है, पूरी दुनिया उससे खत्म हो सकती है, इतना पावर ब्रह्मास्त्र में है, उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। वैसे ही अगर किसी के माथे पर तिल है दोस्तों, तो उस आदमी में, चाहे औरत हो चाहे कोई आदमी हो, उसमें इतनी पावर होती है, इतनी शक्तियाँ होती है, कुदरती शक्तियाँ होती है, रहस्यमय शक्तियाँ होती है कि उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। अगर उसने उसके मन में किसी के प्रति अगर बुरी भावना आई दोस्तों, सामने वाले का बुरा होता है, उसके मन में अगर सामने वाले के प्रति अच्छा भावना आई तो सामने वाले का अच्छा हो जाता है। इतना पावर उसके बॉडी में होता है, उसके आत्मा में होता है। अगर किसी के माथे पर तिल है, खासकर किसी महिला के माथे पर तिल है, अगर ऐसे किसी महिला ने किसी को आशीर्वाद दिया कि बोला जा भाई तेरा अच्छा होगा, तो उसका सच में उसका अच्छा हो जाता है। अगर किसी के माथे पर तिल है, ऐसी महिला ने किसी को बुरा कहा कि तेरा नाश होगा, तो उसका नाश सच में हो जाता है। भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता, उसके जबान में कुदरती पावर, भगवान की शक्तियाँ होती है। जैसे आपने पहले जो योग थे उसमें आपने देखा होगा, जो ऋषि मुनि थे, जो साधु संत थे, वो क्या करते थे, किसी को आशीर्वाद देते तो उसका अच्छा हो जाता था, किसी को शराब देते तो उसका नाश हो जाता था। वैसी पावर ऐसे लोगों में होती है क्या, जैसे ब्रह्मास्त्र के सामने कोई भी टिक नहीं सकता, वैसे जो ऐसे लोग होते हैं उनके वाणी के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। अगर उन्होंने किसी को अच्छा बोला तो उसका अच्छा होगा, किसी को बुरा बोला तो किसी का बुरा होगा, ऐसी उनके अंदर रहस्यमय शक्तियाँ होती हैं। ऐसे लोगों को कल क्या अच्छा होगा, कल क्या बुरा होगा, किसी का भला होगा, किसी को लॉटरी लगेगी, कहाँ पर खजाना है, कहाँ पर माल है, ऐसे संकेत तो उनको सपनों में ही मिल जाते हैं। लेकिन कोई लोग समझते नहीं कि देखो भाई, अब ये साइंस का ज़माना है, बहुत से लोगों के सामने अगर सामने सच में भगवान भी आ गए ना, तो वो लोग उसे भगवान नहीं मानेंगे, क्योंकि लोगों का भरोसा साइंस पर है। साइंस क्या बोलता है, मैं जिसको देखूंगा उस पर मैं भरोसा करूंगा, जिसको मैं देखता नहीं उस पर मैं क्यों भरोसा करूँ। जो साइंस जो ऐसा बोलता है, वैसे जो साइंस को जो लोग मानते हैं ना, वो भगवान को नहीं मानते, क्योंकि वो बोलते हमने भगवान को देखा ही नहीं तो हम भगवान को क्यों मानेंगे। अरे भाई, तूने तेरे दादाजी को देखा नहीं, तेरे दादाजी के बाप को तूने देखा नहीं, तो फिर भी उनके फोटो को तू हार चढ़ाता है, उनकी पूजा करता है, बोलता नहीं मेरे दादाजी बहुत बड़े ठाकुर थे, बहुत बड़े पैसे वाले थे, बहुत बड़े मंत्री थे, मिनिस्टर थे, बहुत बड़े दान पुण्य वाले थे, तूने देखा है क्या उन्होंने क्या दान किया, उन्होंने किसका अच्छा किया, किसका बुरा किया, तूने देखा है क्या, नहीं देखा। फिर भी लोग बोलते हैं, उनकी बात तो सुनता है, अपने दिल में रखता है, और तू ऐसे लोगों को बोलता है नहीं नहीं मेरे दादाजी बहुत अच्छे थे, मेरे दादाजी का बाप तो बहुत बड़ा आदमी था। वैसे अरे भाई, लोग भगवान को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि यार भगवान है, तो तू क्यों नहीं मानता, तू क्यों उनको सामने बहस करते कि नहीं भगवान नहीं, मैंने देखा नहीं। अगर तेरे दादाजी के बारे में लोग बोलते तो बोलते हैं ना फिर, हाँ मेरे दादाजी थे अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। वैसे कुछ लोग बोलते हैं ना भगवान है, तू मान जान फिर भगवान है। ये जो साइंस के जो लोग मानते हैं ना दोस्तों, भगवान को नहीं मानते। लेकिन देखिए, कुछ ऐसी बातें होती है, हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, हमें महसूस करनी पड़ती है। जैसे हवा हमारा शरीर महसूस करता है दोस्तों, कि हवा है लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देती, हमारी बॉडी उसको महसूस करती है क्या। हवा पर ही हमारा जीवन है, बिजली के तार में करंट है लेकिन हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, हमारा शरीर उसको महसूस करता है। जब हमें करंट लगता है तब हमें पता चलता है कि इसके अंदर कुछ शक्ति है, कुछ करंट है, हमें वो आंखों से दिखाई नहीं देता। ऐसी कुछ बातें हैं कि हमें वो आंखों से, जैसे भगवान है लेकिन आंखों से नहीं दिखाई देती दोस्तों, वो महसूस करने पड़ती है। जो हमारे अंतरात्मा है वो उसको महसूस करती है, हमारा मन उनको महसूस करता है। ऐसी कुछ बातें होती है क्या। देखिए, ऐसे जो लोग होते, किसी के अगर माथे पे तिल है दोस्तों, तो उसके अंदर बॉडी के अंदर एक रहस्यमय शक्ति होती है। अगर किसी के, देखिए अभी किसी के बॉडी में 50% योग होगा, किसी के बॉडी में 70% होगा, किसी के बॉडी में 80% होगा, किसी के 100% होगा, क्योंकि किसी का तिल छोटा है, किसी का तिल बड़ा है, किसी का तिल अंधक है, किसी का तिल गर्द तिल है, किसी का काला है, किसी का लाल है, उसमें बहुत बड़े बहुत उसमें प्रकार होते हैं।
लेकिन जिसके माथे पर ऐसा काला या लाल तिल, बड़ा तिल, गहरा तिल है दोस्तों, तो वो आदमी रहस्यमय होता है। इतने उसके अंदर पावर होती है दोस्तों कि वो किसी का अच्छा भी कर सकता है, किसी का बुरा भी कर सकता है। तो ऐसे आदमियों के साथ, खासकर अगर किसी महिला के ऐसा माथे पर तिल है, तो उसके साथ कभी पंगा मत लीजिए। ये मेरा आपसे संदेश कि उसके साथ कभी पंगा मत लीजिए, क्योंकि अगर उसने गुस्से में आपको कुछ बुरा कहा तो आपका सच में बुरा ही हो जाएगा, भगवान भी आपको नहीं बचा पाएगा, आपका जितना भी पुण्य कमाया है पूरा नष्ट हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होता कि पहले जो साधु संत थे, बड़े बड़े राजाओं को शराब देते थे और वो राजा महाराजा मतलब पत्थर बन जाते थे, इतना उस संतों में पावर था, क्योंकि उनके पास भगवान की शक्ति थी। वैसी बातें होती दोस्तों। इसका उपयोग अच्छे के लिए करिए। जो भी जिसके माथे पर तिल है, मेरा उसको संदेश है कि आपके अंदर ऐसी कुछ रहस्यमय शक्तियाँ थी कि लोगों का भला करने के लिए, समाज का भला करने के लिए, देश के हित में ऐसा काम करिए। किसी को आप भला बुरा मत कहिए, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ऐसी शक्ति है, किसी को आप बुरा बोलेंगे तो उसका बुरा हो जाएगा, किसी को अच्छा बोलेंगे तो उसका अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, किसी का भी भला हो ऐसी सोच रखनी चाहिए। अगर भगवान ने किसी को शक्ति दी है तो उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको विनती है दोस्तों। क्योंकि जो हम नए नए आपको वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।